नहीं करूंगा सजदा, मेरा सर यहीं झुके सजदा, मेरा सर यही झुकेगा। मेरी बंदगी का हासिल तेरा आसरा रहेगा, उनके संगे दर से कुछ, उनके संगे दर से कुछ, उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई। उम्र भर की एक सजदे, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई, उम्र भर की एक सजदे में। अगला स्टेशन कल्याण, नेक्स्ट स्टेशन कल्याण। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं फैयाज़ मोहम्मद आपका खादिम और मेज़बान, अपने यूट्यूब चैनल कलाम शाकिर पर आपका खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त कल्याण रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और करीब में एक दरगाह है, बहुत मशहूर दरगाह है डी मार्ट के पास, तो आइए आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में, तो देखते हैं दरगाह कैसी है, ज़ियारत भी करते हैं, आप तो भी मैं ज़ियारत करवाता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पर है, चल के जाएंगे तो 5 से 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो आइए दरगाह की ज़ियारत करते हैं और चलते हैं दरगाह और मस्जिद, देखते हैं किस तरीके से है। दरगाह शरीफ है हज़रत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये बारगाह आस्ताना है कल्याण में, हार्डली रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के फासले पर है डी मार्ट के सामने। तो आइए अंदर चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर, ज़ियारत करते हैं, आपको भी करवाता हूँ। ये इसका एक्चुअल बोर्ड है और एंट्रेंस दरवाज़ा है, यहाँ से बिल्कुल रेलवे स्टेशन से हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। आइए दरगाह के अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। ये दरगाह का असल मेन दरवाज़ा है हज़रत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल मेन रोड पर है कल्याण रेलवे स्टेशन के, यहाँ से रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है और बिल्कुल मेन मार्केट बाज़ार रोड पर है, ये अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है। आइए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर के मनाजिर कैसे हैं। जैसे ही दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सहन है और यहाँ पर वज़ू का भी इंतज़ाम है, ये देखिए
और साथ ही साथ ये जो हरियाली नज़र आ रही है ये एक्चुअल में कब्रिस्तान है। ये दाएं और बाएं जानिब ये बहुत बड़ा वसी कब्रिस्तान बनाया है यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, और ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये असल में जामा मस्जिद है। ये जामा मस्जिद है सामने नज़र आ रही है और अतराफ में कब्रें हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यानी कल्याण का मशहूर ये बड़ा कब्रिस्तान है। और ऊंचाई पर ये एक मस्जिद बनी हुई है जिसे टेकरी मस्जिद कहते हैं। अतराफ में बहुत सारी कब्रें हैं। अस्सलामुअलैकुम या अहले अल-कुबूर, कि जब कब्रिस्तान में दाखिल हों तो कब्र वारों पर सलाम कहना चाहिए, यह सुन्नत मुबारक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और वज़ू तहारत से फारिग होकर फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, और मस्जिद के साथ ही साथ दरगाह शरीफ भी है, तो बेहतर और अफजल ये है कि पहले तहारत हासिल की जाए, वज़ू से फारिग हो जाए। ये बड़ा वज़ू खाना है और तहारत खाना भी मौजूद है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा वज़ू खाना बनाया गया है ये, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मैयतें जनाजे वगैरह आते हैं, तो आवाम की सहूलत के लिए ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, और साथ ही साथ ये वज़ू खाना और तहारत खाना भी बनाया है। आइए मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस वक्त इस मस्जिद को जो है टेकरी वाली मस्जिद भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है ऊंचाई पर बनी हुई है माशाल्लाह, और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे टेकरी जो है ऊंचाई को कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं। तो आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और माशाल्लाह सामने गुंबद खजरा की अक्स की तरह एक माशाल्लाह प्यारा सा गुंबद भी बनाया हुआ है, और अंदर मस्जिद भी है और पीछे बैक साइड में दरगाह शरीफ भी है। तो आइए दरगाह की भी ज़ियारत करते हैं, और अतराफ में तामीरी काम भी चल रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तामीरी काम में भी हिस्सा ले। कब्रिस्तान भी है करीब में, और जो मस्जिद के अखराजात हैं और दीगर जो मामलात हैं उसमें आप हिस्सा भी लें, तो गुजारिश करता हूँ। चलिए आइए आगे भी आपको दिखाता हूँ, दरगाह शरीफ में अंदर हाज़िरी देते हैं, और ये ऊँचाई पर इस तरह से चढ़ना है, तो आगे वो टेकरी वाली मस्जिद जिसलिए से कहते हैं। चलिए करूंगा सजदा, मेरा सर यहीं झुकेगा, मैं यहीं करूंगा सजदा, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ, ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे। आइए अब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह मुफ्ताह लिया अबवाब रहमतिक, क्योंकि मस्जिद में जब दाखिल हो तो सुन्नत की नियत से ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने की ये दुआ है। ये मस्जिद का अंदरूनी सहन है। अभी नमाज हो चुकी है और उसके लिए दरवाज़ा बंद हो गया है अंदर का। ये बाहर का हिस्सा है जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और ये दरगाह की तरफ चलते हैं। असल में ये जो मज़ार शरीफ है बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत की बारगाह यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए उनका आस्ताने का ये दरवाज़ा है, और ये करीब में मस्जिद से लग कर ही इनका आस्ताना बनाया है। ये देखिए ऊपर नाम भी लिखा हुआ है बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह। आइए आपकी बारगाह में अंदर दाखिल होते हैं और अपनी मारूज़ात पेश करते हैं और दुआएं तलब करते हैं इनका वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कि इनके आस्ताने पर खड़े होकर दुआ मांगेंगे
कबूल ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने सुना हूँ यहाँ पर जो अतराफ़ में बहुत से लोगों से इसके बारे में मालूम मैंने हासिल की है, कहते हैं कि बहुत कदीम बहुत पुरानी दरगाह शरीफ है और यहाँ पर बहुत सी मुरादें दुआएँ जो है कबूल होती हैं इनके वसीले से। ये देखिए इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, हज़रत अब्दुल बारी शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये एक नन्ही सी उम्र है इनकी और असल में आस्ताना ये है बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये असल में इनका आस्ताना है, ये मज़ार शरीफ है, काफ़ी कदीम और बहुत पुरानी मज़ार शरीफ है। और ये देखिए इनका नाम, असल में नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, हज़रत सैयद शेख बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये आपकी मज़ार शरीफ है, आइए इनकी मज़ार पर इनकी पहलू में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ तलब करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा इनके सदक़े तफ़ैल। बेशक देता अल्लाह ही है, लेकिन वलियों के सदक़े में मिल जाए तो क्या बात है। अल्लाह ताला की रहमत भी बहाना तलाश करती है कि किसी न किसी के सदक़े तफ़ैल वसीले के ज़रिए ही हमें मिलता है जो कुछ भी। आइए खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज़ करते हैं और इनकी बारगाह से दुआ तलब करते हैं। ये देखिए गुंबद खजरा का एक छोटा सा अक्स यहाँ पर बना हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है इनकी। बहुत सुकून मैसर होता है यहाँ पर, लोग अक्सर कई कई घंटे यहाँ पर लोग इनकी बारगाह में इनके कदमों के पास बैठ जाते हैं और अल्लाह का जिक्र अस्कार करते हैं। हम भी करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी पुरानी और कदीम दरगाह शरीफ है ये, तो हम भी इसी नीयत से आए हैं कि हज़रत की बारगाह से कुछ दुआएं तलब करें, कुछ मांगे। माशाल्लाह आज सैयद बुखारी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान अजीम है, आपकी बारगाह से वसीला लेकर अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी दरगाह शरीफ है यहाँ पे, बहुत से ज़ायरीन आते हैं दूर दूर से अपनी हाजतें तमन्नाएँ आरजुएँ लेकर मुरादें लेकर, और माशाल्लाह उर्स भी अच्छा खासा मनाया जाता है आपका यहाँ पे। तो हम भी इस नीयत से आए हैं कि हजरत की बारगाह से कुछ वसीला लेकर रब्बुल आलमीन से कुछ हजत तलब करें, और बहुत से ज़रूरतमंद आते हैं अपनी ज़रूरतों को मुरादों को पाते हैं। और मैंने अतराफ़ के कुछ लोगों से यहाँ पे पूछा, दरियाफ्त भी किया, कहते कि बहुत अरसे दराज पुरानी ये दरगाह शरीफ है, गालिबा अंग्रेज़ों से भी बहुत पहले की दरगाह है, बहुत पहले 100-150-200 साल पुरानी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम, जो अल्लाह ही और उसका रसूल बेहतर जानता है। हम तो हाज़िरी की नीयत से आए हैं, अल्लाह के वली हैं, इस नीयत से आपकी बारगाह में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वलियों से रिश्ता जोड़ें, उनसे ताल्लुक़ कायम रखें, क्योंकि ये आपकी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर होगा। कि जिसकी मोहब्बत आपके दिल में होगी, मैदान मशर में भी साथ भी उसी के साथ ही होगा। तो सही बात है, मेरे नबी का फरमान है कि जिससे मोहब्बत होगी मैदान मशर में हश्र भी उसी के साथ होगा। तो आप वली अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो इंशाल्लाह मैदान मशर में भी आपका हश्र जो है इन्हीं के साथ होगा। तो आइए आपकी बारगाह में दुआ तलब करते हैं, सलातो सलाम पेश करते हैं और हज़रत की बारगाह से वसीला लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके वसीले से इनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, और तमाम मुसलमानों के हक में मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए इनके वसीले से। आपकी तमाम नाज़रीन की तरफ से मैं भी सलामी पेश करता हूँ कि आपकी भी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आइए कल्याण में रेलवे स्टेशन से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर सरकार सैयद बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पर एक छोटी सी मज़ार शरीफ और भी है जिनका नाम यह लिखा हुआ है, हज़रत अब्दुल बारी शाह रहमतुल्लाह अलैह। गालिबन 9 उम्र वाले दिख रहे हैं हज़रत, तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी में मौका रहा तो ज़रूर बहुत ज़रूर यहाँ पर हाजिर खिदमत रहेंगे। तो सलाम पेश करें।
अब आइए साथ ही साथ हज़रत की बारगाह से ज़ियारत करने के बाद अतराफ में जो कब्रिस्तान मौजूद है इसकी भी ज़ियारत करते हैं, क्योंकि जब कब्रिस्तान में आए हैं तो यहाँ के अतराफ के जितने भी मरहूमीन हैं उनके भी लिए दुआ इस्तग़फ़ार और इसारे सवाब करेंगे। जितनी भी ग्रीनरीज नज़र आ रही है ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। बारिश की वजह से थोड़ा सा कीचड़ का मामला हो गया है, इस वजह से थोड़ी फिसलन भी हो गई है, तो एहतियात से चलना पड़ रहा है। ये अतराफ़ में पूरी कब्रें ही कब्रें मौजूद हैं और यही इंसान की आखिरी मंजिल है। चाहे दुनिया में कितने ही लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, हर इंसान को याद रहना चाहिए कि यही उसकी आखिरी मंजिल है। इस कब्र के दो गज़ ज़मीन के हिस्से में ही उसे दफन होना है, यही उसका आखिरी ठिकाना और आखिरत की तरफ कूच करने की पहली मंजिल है। तआला रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि तमाम जो यहाँ पे मरहूमीन जो मौजूद हैं, जिनके भी रिश्तेदार हैं या हमारे भी ख़ानदान के जो मरहूमीन जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उन सब के लिए इसाले सवाब करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की मग़फ़रत फरमाए और हुज़ूर रहमत आलम अक़ायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल और बिलख़ुसूस यहाँ पर जो शहनशाह कल्याण हैं हज़रत सैयद बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल इन तमाम मरहूमीन के गुनाहों की बख्शिश फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं के सदक़े तुफ़ैल तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला, ऊंचा से ऊंचा, बाला से बाला मकाम अता फरमाए। और हमें यह याद रहना चाहिए कि दुनिया में हम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, आखिरी ठिकाना हमारा यहीं रहेगा। इसी मिट्टी के नीचे, इसी दो गज़ ज़मीन के टुकड़े में हमें दफन होना है। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए एजाज़ है कि हमारी ये भारत की सरजमी, ये हमारी कब्र की मिट्टी बनेगी इंशाअल्लाह। और हम भी ये नियत करते हैं कि साथ ही साथ हिंदुस्तान की सरजमी हो या मदीना तैयबा की ज़मीन हो, दो गज़ ज़मीन का टुकड़ा सबको नसीब हो। माशाल्लाह ये गुंबद खजरा की अक्स का साया यहाँ पर बनाया है गुंबद की शक्ल में। इस मस्जिद का ये एंट्री गेट शान शौकत के साथ इसकी गवाही दे रहा है कि मस्जिद कितनी ही खूबसूरत, कितनी प्यारी है और अतराफ में ये कब्रिस्तान मौजूद है। ये इशारा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा भी करना है और यहीं हमें दफन होना है। क्या शान है इस गुंबद की, सुभान अल्लाह। कितनी कब्रें मौजूद हैं, न जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पर तदफीन हुए हैं, इनका आखिरी वक्त यहाँ पर गुज़र रहा है। मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अब आइए मस्जिद से और दरगाह शरीफ से रुखसती का वक्त आया है, अपने घर की तरफ कूच करते हैं और हज़रत की बारगाह से इजाज़त लेकर यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही, मौका रहा, इस मकाम से गुज़रे तो ज़रूर बज़रूर इंशाल्लाह इस कब्रिस्तान में हाज़िरी की नियत से आएंगे और हज़रत की बारगाह में सलामी फिर से पेश करेंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है यहाँ पे। दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके देखिए जूते चप्पल रखने का स्टैंड, बैठने के लिए सहूलत, बहुत सी बेहतरीन सहूलियात यहाँ के ट्रस्टीज़ ने फराहम की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ के ट्रस्टियों के भी, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त ईमान की हिफाजत करे, उनके भी लिए दुआए हक खैर करते हैं। चलिए अभी रुखसती का वक्त आया है दरगाह से, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मकाम पर, एक नई जगह पर, एक नए दरबार में, एक नई बारगाह में। तब तक आप हमें दुआ में याद रखिए, हम आपको दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। बस एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को और अपने बच्चों को औलिया अल्लाह की मोहब्बत से जोड़े रखें, बुजुर्गान दीन का दामन जो है थामे रखें, तो ये दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार रहेगा इंशाल्लाह। कहीं और भटकने की, कहीं और जाके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेशक अल्लाह ही देता है लेकिन औलिया अल्लाह के सदक़े में ही देता है। चलिए मिलते हैं अगले मकाम पर, दुआ में याद रखिए। मेरा सर यही झुकेगा।
उनके संग दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई, उनके संग दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई, उनके संग दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई, उनके संग दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई, उम्र भर की एक सजदे, उम्र भर की एक सजदे।